आज आप देख सकते हो जुलेद भाई महाड़ से यहाँ पे आए मीटअप के लिए। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। ऐसा डेडिकेशन होगा तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो दीदी तेरा कौन सा चैनल है बताना जरा हमारे ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल का नाम है द सैरी स्टाइल। का नाम है समीर सुरकर उर्फ सैमी के व्लॉग्स। सैमी के व्लॉग्स नाम से इनका चैनल है और ये है रत्नागिरी से प्रॉपर। और मेरे जो यहाँ मुझे इस व्लॉगिंग के अंदर लेके आने वाले मतलब मेरे गुरु है। तो गुरु ने जब मुझे यहाँ पे बुलाया गुरु का आशीर्वाद चेले के साथ होना बहुत जरूरी है। ये एक है हमारी बहन, इनका नाम है मीनाज खलपे और इनके चैनल का नाम है मीनाज खलपे। सो गाइज अभी मेरे साथ में आप देख रहे हैं चैनल के ऊपर कोकनी राइजिंग स्टार हमारे सादिक परदेसी कोकनी भाई। देखो आप लोगों के सामने अभी हमने वादा किया है हम दोनों एक फ्रेम में एक स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए आखिर तक। नाउ गाइज हमारे साथ में अभी मौजूद है इरफान कौचाली और ये है हमारे गांव के बाजू में बिल्कुल महाड़ के बाजू में एक छोटा सा गांव है। सर नाम बताइए आपके गांव का। मेरा नाम इरफान कौचाली है। और आप कहाँ से? मैं बेसिकली कुंजुता से हूँ, महाड़ में ही जिला रायगढ़ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। अच्छा सर आपका जो यूट्यूब चैनल है वो किस नीच पे किस टॉपिक पे है? एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था बिजनेसमैन ओनर्स के लिए एंटरप्रेनर्स के लिए, लेकिन स्लोली स्लोली मुझे ऐसा लगा कि ये मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो मैंने यहाँ पे बच्चों को करियर के लिए उनके गाइडेंस के लिए पेरेंटिंग के लिए बहुत सारे डिफरेंट और मुझे घूमना भी अच्छा लगता है आपकी तरह जुनेद भाई, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग भी करके रखा हूँ। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट फैमिली। अगर बच्चे जाएंगे तो बच्चों को उनकी अपनी प्ले लिस्ट मिलेगी, बिजनेसमैन जाएंगे तो बिजनेसमैन की लिस्ट मिलेगी, तो इट इज़ लाइक दैट। अच्छा आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग व्लॉगिंग में आना चाहते हैं तो क्या वो लोग आ सकते हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा हर किसी से, नॉट ओनली व्लॉगिंग, करियर एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी आप सिलेक्ट करो, चाहे वो व्लॉगिंग हो, बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जैसे आज आप देख सकते हो जुनेद भाई महाड़ से यहाँ पे आए मीटअप के लिए। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। ऐसा डेडिकेशन होगा तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो व्लॉगिंग इस आने वाला बहुत बड़ा मतलब क्या रेवोल्यूशन है। तो जुनेद भाई जैसे आपके पास में अच्छे क्रिएटर है, अच्छे बोलने वाले लोग हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप इसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो भाई इनके चैनल का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, एक बार जाके जरूर विजिट करना। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस यहाँ पे और एक बहन है हमारे साथ में जिसका नाम है शहरी सुरवे। तो दीदी तेरा कौन सा चैनल है बताना जरा हमारे ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल का नाम है द सैरी स्टाइल एंड मैं ट्रैवल व्लॉग भी करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, जो मन में आता है मैं वो करती हूँ। बट कंसिस्टेंसी एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी मैं थोड़ा गैप ले लिया था, बट अभी मेरे चैनल पे व्लॉग्स आते रहेंगे तो आप जरूर देखना। तो गाइस लिंक मैं लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर दीदी का, तो एक बार जरूर आप लोग विजिट करना। यस और इनको भी जरूर फॉलो करना, इनके ब्लॉग बहुत अच्छे रहते हैं, इंटरेस्टिंग भी रहते हैं। थैंक यू। तो गाइस ये है हमारे दोस्त कोकनी ब्लॉगर, इनका नाम है समीर सुरकर उर्फ सैमी के व्लॉग्स। सैमी के व्लॉग्स नाम से इनका चैनल है और ये है रत्नागिरी से प्रॉपर मगर ये रहते हैं मुंबई के अंदर। तो भाई आप किस तरह का कंटेंट अपने चैनल के ऊपर देते हैं? मेरे चैनल पे हर तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा, एक पर्टिकुलर चीज का नहीं है, बट मैं ज्यादातर ट्रैवल करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ नेचर्स को, कभी कभी संडे स्पेशल पे मेरे रेसिपीज भी आते हैं, देन मैं स्कूल्स के बच्चों का भी वीडियोज निकालता हूँ। तो मतलब ओवरऑल एक फैमिली चैनल है मेरे लिए, मतलब मेरे वीडियोज पे फैमिली बैठ के एंजॉय कर सकती है, तो आप भी इंजॉय कर सकते हो अगर मेरे चैनल पे आप नए, अगर ये चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइज आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पहले हम कई बार व्लॉग्स में इन्हें दिखा चुके हैं। ये हैं हमारे ए आंसर उर्फ अखलाक नागुठने। तो इनके काफी अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं और मेरे जो यहाँ मुझे इस व्लॉगिंग के अंदर लेके आने वाले मतलब मेरे गुरु है। तो गुरु ने जब मुझे यहाँ पे बुलाया गुरु का आशीर्वाद चेले के साथ होना बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, रियली मैं इतना एंजॉय करता हूँ व्लॉगिंग करते वक्त, बिल्कुल रियली आपने बहुत सही तरीके से मुझे गाइड किया
और इसमें लेके आया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू डिजर्व इट, इन्होंने सुना, हमको फॉलो किया और सारे इंस्ट्रक्शन के अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह का चैनल मॉडल भी हुआ, सब्सक्राइब भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हमारे ऑडियंस में से किसी को अगर यूट्यूब पे आना है तो क्या अभी ये सही समय है उन्हें यूट्यूब पे आने के लिए? बिल्कुल, समय तो हमेशा रहता है, अच्छा कंटेंट हो कि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले, एंटरटेनमेंट भी करें और बोर भी ना हो, आप किसी भी वक्त किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आ सकते हैं। जी, तो आपने सुना कि आप लोग अगर यूट्यूब पे आना चाहते हो तो आप बिंदा शुरू कीजिए, 2023 शुरू हो चुका है, रियली बहुत मजा है यहाँ पे। और हम में से किसी भी टीम मेंबर से कॉन्टेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के जरिए तो आपको कॉपरेट भी करेंगे। जरूर, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो गाइस, ये एक है हमारी बहन, इनका नाम है मीनाज खलपे और इनके चैनल का नाम है मीनाज खलपे। तो गाइस, इनका चैनल कुकिंग का है, तो आप जरूर विजिट करना, मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाजी, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी व्यूवर्स मेरे लेडीज जो ये व्लॉग देख रहे, अगर वो कुकिंग का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या अभी ये सही वक्त है और उन्हें क्या करना चाहिए? कुकिंग का अगर चैनल स्टार्ट करना है तो एक बात ध्यान में रखें कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और एक 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 छोटी छोटी बात को आपको दिखाना होता है कि ये चीज है, ये कितने क्वांटिटी में डालना है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब पहले से पूरा प्री प्लान करके आपको वीडियो शूट करनी है। हाँ। आपका वॉइस ओवर भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा होना चाहिए। तो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। yes. ताकि वीडियो देखने वाला शुरू से आखिर तक देखे। जी 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 बाजी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो गाइस, सारे कोकनी यूट्यूबर्स अब यहाँ पे जमा हो चुके हैं और आप देखेंगे मेरे पीछे कौन आया पता है आपको? सादिक भाई, सादिक भाई आ चुके हैं। ये देखिए सादिक भाई, कोकनी भाई की एंट्री हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पे सारे कोकनी यूट्यूबर्स आ चुके हैं। सो गाइज अभी मेरे साथ में आप देख रहे हैं चैनल के ऊपर कोकनी राइजिंग स्टार हमारे सादिक परदेसी कोकनी भाई। तो कोकनी भाई, आप हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके जुनैद भाई से अपने। माशाल्लाह नेक्स्ट सुपरस्टार कोकन के अपने जुनैद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, साथ ही साथ जैसे क्वेश्चन आंसर के जो वीडियोज रहते हैं बच्चों के, इसमें तो ये बहुत ही अच्छा बढ़िया वीडियोज बना रहे हैं। तो बहुत सी चीजें जो इनको सीखने मिली, क्योंकि VFX की दुनिया के अपने कोकन के सबसे बड़े VFX के एडिटर जुनैद भाई है, जो बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को हम दोनों इसने एक कॉमेडी वीडियो में देखने मिल जाएंगे। कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो, अपनी शॉर्ट फिल्म आने वाली है, प्लान तो चल रहा है हमारा जी। बस थोड़ा सा वक्त का तकाजा है, इंशाल्लाह जरूर वीडियो आएंगे आपकी दोनों साथ में, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखो आप लोगों के सामने अभी हमने वादा किया है, हम दोनों एक फ्रेम में एक स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे, तो बने रहिए आखिर तक। मैं एक्टर बाइकन जगह खा तू जोड़ी नहीं खाओ मैं। चलो शुक्रिया शुक्रिया। तो गाइस खाने का समय हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टिपिकल कोकनी लेवल का खाना हुआ है, कोकनी स्टाइल से पूरा खाना पकाया गया है कोकनी यूट्यूबर्स के लिए और ये सब कुछ बनाया है हमारी दीदी ने। तो गाइस ये है कोकोनट चटनी, ये है काजू का सूखा और इसे कहते हैं केरी की चटनी, और सबसे पसंदीदा मेरी ये रही चावल की रोटियां, झींगे की चटनी और ये रहा झींगे का सालन, और दोस्तों ये है दम आलू और ये रहे राइस। तो गाइस अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसे है, खाना देख के तो ऐसे लग रहा है काफी टेस्टी होगा।